दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र सो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आपके इंस्टाग्राम की आईडी का किसी को पासवर्ड पता चल गया है, अगर आपके फ्रेंड को आपके इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड पता चल गया है या फिर किसी और को पता चल गया है, और अब आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारी जो आईडी है, हमारा जो अकाउंट है, उसका पासवर्ड किसी दूसरे पर्सन को पता चल गया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आपका पासवर्ड किसी को गलती से पता चल जाता है और वो अब यहाँ पर आपकी आईडी को लॉगिन कर सकता है, तो आपको डर है इस बात का, तो अपनी आईडी को बचाने के लिए, अपनी आईडी को सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए अगर किसी को हमारा पासवर्ड पता चल जाए। तो अब यहाँ पर जो है आपको करना क्या है वो आपको समझना होगा, उसके लिए आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आईडी का पासवर्ड किसी को पता चल चुका है, अब आपको इस बात का डर है कि वो पर्सन हमारी आईडी को लॉगिन कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है और उसमें कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए आपको अपनी आईडी को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ में मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं वहाँ पर आपको जा कर के बताऊँगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है। उसके बाद में नीचे प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद में ऊपर कॉर्नर पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर, और उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर टॉप पर आप देख सकते हो अकाउंट सेंटर, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और हमें जाना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ एक ऑप्शन है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इसी पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, सबसे ऊपर में आप देख सकते हो चेंज पासवर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये इस तरह से शो होंगे। अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से भी कनेक्ट किया होगा तो फेसबुक की आईडी भी यहाँ पर शो होगी, और अगर नहीं कर रखा है तो फिर सिर्फ आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम की ही आईडी शो होगी। तो आपको यहाँ पर उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है, उस यूज़र नेम को सेलेक्ट करना है जिसका पासवर्ड पता चला है आपके फ्रेंड को। तो यहाँ से जैसे कि सबसे नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट है मेरा, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब जो आपका ओल्ड पासवर्ड है, जो आपका पासवर्ड आपके फ्रेंड को पता चला है, उस पासवर्ड को तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पर डालना है ऊपर करंट पासवर्ड में, उसके बाद में न्यू पासवर्ड और री टाइप न्यू पासवर्ड, इन दोनों में सेम पासवर्ड बना लेना है एक आपको। किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पुराना पासवर्ड है उसको तो ऊपर वाले बॉक्स में, और जो आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे, अब न्यू पासवर्ड जो बनाएंगे वो बीच वाले में और नीचे वाले में यहाँ पर डाल करके सेम डालना है बिल्कुल, और नीचे चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे चेंज पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी आईडी का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और जो आपका पासवर्ड उस पर्सन को पता चला है, जो कि आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको जो पता चला है, अगर उसने लॉगिन भी कर रखी होगी तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी आपकी आईडी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको कि अगर आपको नहीं पता है कि आपका पासवर्ड क्या है तो आप यहाँ फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे, फिर आप यहाँ पर करंट पासवर्ड में तो डाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉरगेट योर पासवर्ड, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो जो नंबर या फिर जो ईमेल आपके अकाउंट में होगी उस पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो और अपने अकाउंट को बचा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।